डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की मातृ संगठन में एक संगठन है समता सैनिक दल, और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने समता सैनिक दल एक युवाओं को एक ढांचे में बांधने के लिए समता सैनिक दल का निर्माण किए। और मुझे बताते हुए ये खुशी हुई है कि मैं अभी यहाँ पे 2-3 सालों से लगातार आ रहा हूँ महाराष्ट्र से, अपने 10-20-50 सैनिक लेके मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे जो शोषित पीड़ित समाज, जो दीन दलित समाज है, जो दूर दूर से आता है, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट समाज है और बाकी के भी समाज के लोग जो यहाँ पे धम्म के, बौद्ध धम्म के जो महासेनापति थे महामुगलायन सारिपुत्त, इनकी जो अस्थियाँ यहाँ पे नगर भ्रमण होती है, जो जनमानस को उस दिन दिखाई जाती है कि जो अपना श्रद्धा सुमन बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, जो अपने चलते हैं जो बुद्ध के राह पे, वो लोग यहाँ पे बहु संख्या से, लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं। उसी का हिस्सा बनने के लिए हम महाराष्ट्र से कुछ सैनिक लेके आते हैं कि हमारे समाज का, हमारे धम्म के लोगों का कुछ यहाँ पे नुकसान या हानि ना हो सके। लोग भी यानी आते हैं, देखने भी आते हैं यहाँ पे बाकी धर्म के लोग, कोई हमारे धर्म के लोगों का नुकसान ना कर सके, कोई चोरी चपाटी ना हो सके, कोई गलत व्यवहार किसी से हो ना सके, इसलिए हम वो सुरक्षा देने यहाँ पे समता सैनिक दल के लोग हम यहाँ पे आते हैं दर वर्ष। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये समता सैनिक दल के जो साथी हैं महाराष्ट्र के हैं और मध्य प्रदेश के जो हमारे तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन बनते जी आपसे दो मिनट, लेकिन वे लोग यदि यहाँ पर रहकर इस प्रकार के काम नहीं कर पाते तो आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। आप लोग महाराष्ट्र से आए चल कर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच में एक भंते जी भी हैं, मैं भंते जी से थोड़ा सा इस सांची का जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में जानना चाहूँगा। उसके पहले भंते जी आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं दबुदाजवट का भंते, सतना जिले से नगौत तहसील से हूँ। आप विश्व धरोहर वहाँ भी है, भरूत के नाम से जानी जाती है, भरूत स्तूपा, वहाँ से हम लोग हैं। और क्योंकि हमको पता है, चला है कि यहाँ पर जो है तो महामुगलायन और सारिपुत्र की अस्थियाँ जो है, हमारे जो पूर्व के भंते थे उनकी अस्थियाँ निकाली जाती हैं, सभी के दर्शनों के लिए खोली जाती हैं। उनके दर्शन के लिए जो है तो चल चल करके पूरे देश विदेश के लोग आए, हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मंगल मत्री की हम लोग कामना करके यहाँ से जाते हैं और सबकी कुशलता के लिए हम मंगल कामना करते हैं और अपने क्षेत्र के लिए हम जाते हैं। चलिए भंते जी, आप लोग बहुत अच्छे मंगल मैत्री की कामना करते हैं। उसके अलावा भंते जी, आज के परिवेश में जिस प्रकार से सम्राट अशोक के समय पूरा भारत बौद्धमय था, बुद्ध की शिक्षाओं पे भारत चलता था, मैत्री और करुणा के जो संदेश थे उस पर चलता था, और उसके बाद बौद्ध धर्म का पतन हो गया, और आज भी बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं हमें उसी स्थिति में दिखता है कि हमें नाम मात्र जगह में दिखता है। यदि हम सांची में भी आते हैं तो हमें उसकी झलक नहीं दिखती है, हमें जो अन्य मेले हैं उस प्रकार का यहाँ दर्शन, मतलब नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप लोग की काफ़ी जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है, और धम्म के जो कारवा बढ़ाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उनकी भी जवाबदारी है। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे भारत फिर से सम्राट अशोक के भारत की तरह बने? क्योंकि देखिए, ये इतना बड़ा धम्म मेला है, जिस हिसाब से छोटे छोटे मेलों को मीडिया प्रचारित करता है उस हिसाब से इतने बड़े मेला को मीडिया कवर नहीं करता, और हम आशा करते हैं कि मीडिया, आप जैसे लोग यदि आज कवर कर रहे हैं, निश्चित है कि इस अशोक महान के इस धम्म को आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वैसे तो हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं, धम्म चारिका यात्रा करते हैं, चारों देश के चारों दिशाओं में जाते हैं और लोक कल्याण के लिए जो है हम ये धम्म अशोक सम्राट के द्वारा बताए हुए मार्ग को, बाबा साहब को बताए हुए मार्ग को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और निश्चित है कि जिस दिन आप लोगों का इसी तरीके सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा तो हमारी जो अथक प्रयास धम्म के लिए वो निश्चित बढ़ करके पूरे विश्व में पटल में जाएंगे, भारत पुनः धम्ममय होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा। है जो विदिशा के ही रहने वाले हैं और विदिशा से सांची लगभग 10-5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और लेकिन सांची में आप जैसे विदिशा के और आसपास के इस मध्य प्रदेश के किस किस जिलों से लोग आते हैं थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर ये तो विश्व पर्यटक स्थल है और यहाँ तो विदेशी पर्यटक भी आते हैं, साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश और भारत के संपूर्ण राज्यों से जो मतलब बाबा बुद्ध की विचारधारा के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, और हमारे भंते जी भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा लगता है। और यहाँ पर 2 दिन के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है सभी के लिए, और जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, और जहाँ पर जो
बुद्ध की विचारधारा की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो भी खरीद के ले जाते नहीं, लेकिन मुझे किताबें तो दिखी नहीं आप। जी ऊपर लगे हुए हैं स्टॉल, आप जाके देख सकते हैं, कुछ नीचे भी लगे हुए हैं अपने ये रोड की उस तरफ। और यहाँ पर निःशुल्क खाना भी वितरण किया जाता है, जो बाहर से लोग आते हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी की जाती है। और अपने जो बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा के लोग हैं, वो उनके लिए मदद करते हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को और पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धर्म की बात करते हैं, सच्चा धर्म तो मानवता वाला है, जो हमारे बुद्ध ने संदेश दिया है पूरी दुनिया को, विश्व को, तो वही विचारधारा हम सभी को रखना चाहिए, ना कि किसी धर्म को लेकर ईर्ष्या जैसी भावना पैदा करें कि यह हिंदू, यह मुसलमान, यह बुद्धिस्ट है, सभी मानव एक समान है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और बुद्ध का संदेश भी यही है कि आप मानव को मानव समझें, ना कि उसको किसी डिवाइड करें, किसी कहा किसी दायरे में उसको बांधें, यही बुद्ध का संदेश है। इवन बुद्ध ने तो ये भी कहा था कि किसी बात को आप तब तक मत मानो जब तक कि आप स्वयं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाते। इवन मैं भी उस बात को कहूँ तब भी आप उस बात को ना माने, ये खुद बुद्ध का संदेश है। कभी उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा और कभी उन्होंने ये किसी का दूत नहीं कहा कि मैं किसी का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जो स्वयं को जितना जान ले, जो जीवन को जितना जान ले, वो बुद्ध कहलाता है। आने वाले समय में मुझसे ही बड़े बुद्ध होंगे, ऐसा वो कह के गए हैं और हमें उम्मीद है कि उनसे पहले भी हुए थे, ऐसा वो कह गए हैं। तो ये विचारधारा है उनकी काफ़ी प्रबल और एक सशक्त विचारधारा है, वैज्ञानिक विचारधारा है, और आई थिंक सबका इसमें प्रसार होना चाहिए। महिला और पुरुष को समानता दी है उन्होंने, और कभी ये नहीं कहा गया कि मतलब आप महिला हैं तो महिला को लेकर उन्हें भेदभाव किया गया। बुद्ध ने भी और बुद्ध जम में ही है ये, बाकी अन्य धर्मों में हम देखते हैं कि उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, मस्जिदों में नहीं दिया जाता, मंदिरों में भी प्रतिबंध, सबरीमाला मंदिर वाला, ऐसी कई प्रकार की जगह हैं जहां पर प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि हमारा बुद्ध तो सब बुद्ध धर्म में सभी को समानता दी जाती है, बराबर से बैठकर बुद्ध का जो धर्म धर्म नहीं है, धम्म है, धम्म है। जी हाँ, धम्म जी जी। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।